उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केंद्र कैमटेक ग्वालियर प्रस्तुत करता है डीजल लोको पायलटों के लिए एल्को लोकोमोटिव पर लगी माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल प्रणाली पर ट्रेनिंग वीडियो फिल्म। डिस्क्लेमर: इस ट्रेनिंग वीडियो फिल्म में दी गई सूचना रेलवे बोर्ड के निर्देशों तथा आरडीएसओ द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है। फिल्म में दिए गए निर्देश स्थायी नहीं हैं एवं वो डीजल लोको पायलटों के विषय की जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए हैं। यदि किसी विषय पर विरोधाभास उत्पन्न होता है तो रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ अथवा क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उद्देश्य: इस वीडियो फिल्म का मुख्य उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम MEP 660 के विषय में लोको पायलटों के ज्ञान को बढ़ाना है तथा असेंबलियों या आइटमों की स्थिति एवं उनके उचित सफल परिचालन की विधियों को समझना है। ये फिल्म असफलता के कारणों का विश्लेषण एवं उनके निदान के विषय में डीजल लोको पायलटों के ज्ञान को निश्चित रूप से बढ़ाएगी। इस फिल्म में दिखाया गया है एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम का परिचय, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम का परिचय, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की मुख्य विशेषताएं, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की अतिरिक्त विशेषताएं, पूर्व कंट्रोल सिस्टम से हटाए गए आइटम, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण असेंबलियों का विवरण, डिस्प्ले यूनिट एवं मेन्यू द्वारा नेविगेशन, दोषों का वर्गीकरण एवं चालक द्वारा दोष संदेशों को रीसेट करने की विधि, महत्वपूर्ण करें न करें निर्देश, ट्रबल शूटिंग। एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम का परिचय। एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर से संचालित एक ट्रांजिस्टर स्विच द्वारा एक्साइटर फील्ड करंट को नियंत्रित करता है। मिक्सर रेफरेंस नेटवर्क के द्वारा नियंत्रित PWM कार्ड के ऑन ऑफ के अनुपात द्वारा औसत करंट निश्चित किया जाता है। मिक्सर रेफरेंस नेटवर्क को TA वोल्टेज, TA करंट एवं इंजन स्पीड से अनुपातीय फीडबैक सिग्नल प्राप्त होते हैं। ये इनपुट सिग्नलों के स्तरों पर आधारित एक नियंत्रक सिग्नल PWM को भेजता है जो एक्साइटर फील्ड करंट एवं उसके आउटपुट को नियंत्रित करता है। एक्साइटर आउटपुट GF कॉन्टैक्टर से होता हुआ ऑल्टरनेटर से सीधे सीधे जुड़ा रहता है तथा ये भी प्रोपल्शन कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक नॉच पर ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर पावर के ऐच्छिक स्थिर HP को नियंत्रित करता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम MEP 660 एक संपूर्ण लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम है तथा इसमें इंजन क्रैंकिंग, लोको प्रोपल्शन, एक्साइटेशन कंट्रोल, ऑक्सिलरी कंट्रोल होते हैं एवं ये लोकोमोटिव पर लगी सेफ्टी डिवाइसों को निरंतर मॉनिटर करता है। RDSO स्पेसिफिकेशनों के अनुरूप डिजाइन तथा विकसित कुछ सुधारित फीचर जैसे कि लोकोमोटिव का सेल्फ लोड टेस्ट एवं उसी में बना हुआ इवेंट रिकॉर्डर आदि दिए गए हैं। MEP 660 लोको कंट्रोल का डिजाइन पूर्ववत प्रोपल्शन कंट्रोल तथा E-टाइप एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम को हटाने के लिए किया गया है। MEP 660 सिस्टम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को हटाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सॉफ्टवेयर लॉजिक के द्वारा लोको को नियंत्रित करने के लिए करता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम की मुख्य विशेषताएं। फॉल्ट डायग्नोस्टिक: ये कंट्रोल सिस्टम दोष निदान की क्षमता रखता है। ये सिस्टम विभिन्न परिचालन पैरामीटरों को निरंतर मॉनिटर एवं विभिन्न ट्रैक्शन उपकरणों के कार्यकलापों में होने वाली असामान्यताओं की जांच करता है। दोष की पहचान होने की स्थिति में इस उपकरण एवं अन्य संबंधित उपकरणों को संभावित होने वाली क्षति से बचाने के लिए भी उचित कार्यवाही करता है। चालक को सूचित करने के लिए डिस्प्ले यूनिट पर उस दोष पर लागू होने वाले प्रतिबंधों सहित इस दोष को डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है।
एरर लॉग मेमोरी में रियल टाइम एवं दिनांक के साथ फॉल्ट कोड लॉग होता है। सेल्फ डायग्नोस्टिक, ये सिस्टम अपने स्वयं के मॉड्यूलों तथा सेंसरों को उनके ठीक से कार्यरत होने के लिए मॉनिटर करता है। फॉल्ट टॉलरेंस, इस सिस्टम में कुछ निश्चित फॉल्टों के लिए फॉल्ट टॉलरेंस क्षमताएं हैं। इस स्थिति में लोकोमोटिव सामान्य तरीके से कार्य करता है तथा अनुरक्षण स्टाफ द्वारा बाद में की जाने वाली विश्लेषणात्मक एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु डाटा पैक सहित एरर लॉग में फॉल्ट को लॉग करता है। ऑटोमेटिक फॉल्ट रिकवरी, अधिकतर फॉल्टों के लिए रिकवरी की स्थिति की पहचान करता है तथा जब भी फॉल्ट पैदा होता है तो फॉल्ट रिकवरी को पहचान कर चालक के लिए डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित करता है एवं उसी समय उस फॉल्ट द्वारा लोको के परिचालन में लागू होने वाले प्रतिबंध हट जाते हैं तथा ये घटना एरर लॉग में पंजीकृत हो जाती है। ट्रैक्शन मोटरों की शॉर्ट टर्म रेटिंग, ये उपकरण शॉर्ट टर्म ट्रैक्शन मोटर करंट रेटिंग की स्वतः ही देखभाल करता है तथा चालक पर उपकरणों के बचाव के लिए निर्भरता नहीं रखता। डिजिटल इनपुट एवं आउटपुट के लिए सेल्फ टेस्ट, अनुरक्षण स्टाफ को वायरिंग फॉल्ट को शीघ्रता से पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए समस्त डिजिटल इनपुट आउटपुट एवं आउटपुट डिवाइसों की सेल्फ टेस्ट सुविधा MEP 660 में होती है। सेल्फ लोड बॉक्स टेस्ट, इंजन एवं संपूर्ण कंट्रोल सिस्टम की कार्यक्षमता जानने के लिए साधारण लोड टेस्ट किया जा सकता है। इवेंट रिकॉर्डर, ये सिस्टम एक कॉम्पैक्ट नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी यूनिट में डेटा रिकॉर्ड करता है। मेमोरी में डेटा बनाए रखने के लिए इस सिस्टम को कोई इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रत्येक सेकंड के अंतराल पर विभिन्न डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं। पिछले 45 घंटों का डेटा किसी भी समय डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रत्येक 20 सेकंड के अंतराल में ये स्पीड व दूरी के साथ साथ दिनांक व समय भी रिकॉर्ड करता रहता है। पिछले 225 दिनों का डेटा किसी भी समय डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहता है। मल्टी रीसेट विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस या अलर्टर, लोकोमोटिव के परिचालन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये MEP 660 कंट्रोल सिस्टम विजिलेंस कंट्रोल सहित प्रणाली में लाया गया है। ड्राइवर द्वारा निम्न लोको ऑपरेशनों को करने की स्थिति में MEP 660 में लगी मल्टी रीसेट विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस पहचान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि चालक सतर्क है। नॉच की अवस्था में बदलाव, डायनेमिक ब्रेक का लगाना अथवा रिलीज करना, A9 द्वारा ब्रेकों का लगाना अथवा रिलीज करना, सैंड बटनों का ऑपरेशन, विद्युत हॉर्न बटनों का ऑपरेशन, रिवर्सर हैंडल द्वारा लोको की दिशा बदलना, GF स्विचों का ऑपरेशन, मास्टर हैंडल द्वारा डायनेमिक ब्रेक स्तर का बढ़ना अथवा घटना, VCD रीसेट स्विच का ऑपरेशन। यदि लोको पायलट 60 सेकंड के दौरान इनमें से कोई भी कार्यवाही नहीं करता है तो MEP 660 कंट्रोल सिस्टम प्रत्येक कंट्रोल स्टैंड पर लगी LED को 17 सेकंड तक ब्लिंकिंग करके दृष्टिगत संदेश देकर चालक को सतर्क करता है। LED इंडिकेशन के रीसेट करने के लिए 17 सेकंड के दौरान चालक को ऊपर बताई गई कार्यवाहियों में से कोई एक कार्यवाही करनी होती है, अन्यथा दूसरे 17 सेकंड तक LED के ब्लिंकिंग के साथ बजर की आवाज यानी कि श्रव्य दृष्टा संकेत के साथ चालक को सतर्क किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में चेतावनी संकेतों के साथ डिस्प्ले यूनिट पर यह संदेश दिखाई देता है, VCD टाइम आउट, VCD रीसेट बटन दबाएं। यदि 94 सेकंड के दौरान लोको पायलट अलार्म इंडिकेशनों को रीसेट करने की उपरोक्त बताई गई कार्यवाहियों में से कोई भी कार्यवाही नहीं करता है तो MEP 660 ये मान लेता है कि चालक सतर्क नहीं है और VCD रिले को डी एनर्जाइज करके पेनल्टी ब्रेक इंडिकेशन के साथ पेनल्टी ब्रेक लगा देता है, इंजन की स्पीड को आइडल पर लाता है तथा GF कॉन्टैक्टर को डी एनर्जाइज कर देता है। ऑटो फ्लैशर,
ट्रेन पार्टिंग होने पर अथवा चालक द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर एमईपी 660 कंट्रोल सिस्टम स्वतः ही ट्रेन की फ्लैशर लाइट को चालू कर देता है। इसके अतिरिक्त जब आवश्यक हो चालक फ्लैशर लाइट को चालू भी कर सकता है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम। लोको पर यह सुविधा घाट सेक्शनों में कार्य करते समय पेनल्टी ब्रेकों को लगाने के लिए विशेष तौर पर लगाई गई है। अतिरिक्त अन्य विशेषताएं, क्रैंक केस मोटर की विफलता पर इंजन का बंद होना, आरबीबी की विफलता अथवा डायोड हॉट होने पर चौथी नॉच का लिमिटेशन, T3 से T4 सेटिंग तक पावर का डीरेशन या पूर्व निर्धारित कमी, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर प्रत्येक तापमान बढ़ने पर इंजन पावर का 20% कम होता है, अत्यधिक तापमान पर 8वीं नॉच आरपीएम, जब इंजन टेम्परेचर T4 की सेटिंग 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचती है तो इंजन की फास्ट कूलिंग के लिए इंजन आरपीएम स्वतः ही 8 नॉच के आरपीएम तक पहुंच जाते हैं। लो आइडल फीचर्स। जब लोकोमोटिव 10 मिनट से अधिक आइडल स्थिति में रहता है तो फ्यूल की खपत को कम करने के लिए ए वॉल्व एवं डी वॉल्व को एनर्जाइज करके इंजन के आरपीएम 350 तक कर देता है। पूर्ववर्ती कंट्रोल सिस्टम से हटाए गए आइटमों की लिस्ट। कंट्रोल पैनलें। एक्साइटेशन कंट्रोल पैनल ईएक्ससीपी, इंजन कंट्रोल पैनल ईसीपी, वोल्टेज रेगुलेटर पैनल वीआरपी, ट्रांजिशन रेगुलेशन पैनल टीआरपी, रजिस्टर पैनलें व्हील स्लिप रजिस्टर पैनल WSRR 1 और 2, व्हील स्लिप कंट्रोल रजिस्टर्स WR 8, 9 व 10, ऑसिलेटर वोल्टेज डिवाइडिंग पैनल OVDR, जनरेटर वोल्टेज डिवाइडिंग पैनल GVDR और VDP, टेको जनरेटर लोड रजिस्टर पैनल TGLR, ब्रेकिंग लिमिटिंग रजिस्टर पैनल BKER 1 और 2, रिले। लोको के कुल 12 रिले हटा दी गई हैं तथा केवल 11 रिले को रखा गया है। रोटेटिंग मशीनें जो हटाई गई हैं, एक्सल अल्टरनेटर, टेको जनरेटर, 6 TM स्पीड सेंसर ESS। अन्य विविध आइटम जो हटाए गए हैं, ट्रांजिशन एक्साइटेशन ट्रांसफॉर्मर TET, आर्मेचर करंट कंट्रोल रिएक्टर ACCR, स्टेबलाइजिंग पैनल, वोल्टेज रेगुलेटर करंट लिमिटिंग शंट, लोड एमिटर शंट LAS, इंजन टेम्परेचर स्विच। कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम हार्डवेयर तथा अतिरिक्त मदों का विवरण। माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम MEP 660 में निम्नलिखित सब असेंबलियां होती हैं। कंट्रोल यूनिट टाइप MEP 660। माइक्रोप्रोसेसर का ये मुख्य कंट्रोल उपकरण है। कंट्रोल यूनिट में 18+1 स्पेयर प्लग से लगने वाले कार्ड एक धूल रोधी बक्से में बंद होते हैं। इन मॉड्यूलों में मॉड्यूल के ऊपर एवं कंट्रोल यूनिट के प्रत्येक स्लॉट दोनों पर उचित पहचान युक्त नंबर दिए गए हैं। कंट्रोल कार्ड MEPCC। MEPCC कार्ड मुख्य कंट्रोल कार्ड है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के साथ साथ उसका प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न सर्किट एवं इंटरफेस सर्किट होते हैं। कंट्रोल कार्ड MAUCC। MAUCC दूसरा कंट्रोल कार्ड है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के साथ साथ उसका प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न इंटरफेस सर्किट होते हैं। ये कार्ड ऑक्सिलरी जनरेटर के फील्ड करंट को नियंत्रित करता है जिससे कि टर्मिनल वोल्टेज 72±1 वोल्ट सेट रखा जा सके। कंट्रोल कार्ड MWSCC। MWSCC तीसरा कंट्रोल कार्ड है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के साथ साथ उसका प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर आदि होता है। व्हील स्लिप दोष के समय व्हील स्लिप को खोजकर पावर को नियंत्रित करने के लिए MEPCC कार्ड को संप्रेषित करता है। डिजिटल इनपुट कार्ड MDIP16 या MIDIP16। लोको सर्किट के 72 वोल्ट DC के
उच्च वोल्टेज सिग्नल को सिस्टम के माइक्रोप्रोसेसर के लिए आवश्यक 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज सिग्नल में बदलने वाले हार्डवेयर इन डिजिटल इनपुट कार्डों में लगे होते हैं। इस कार्ड में लगी हरे रंग की एलईडी का जलना उस विशेष चैनल में 72 वोल्ट डीसी सप्लाई की उपलब्धता दर्शाती है। पीली एलईडी दर्शाती है कि आइसोलेशन एवं सिग्नल कंडीशनिंग के बाद सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को भेजा जा रहा है। डिजिटल आउटपुट कार्ड MLSD 16 तथा SHSD 16 या MIHSD 16। ये कार्ड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम MEPCC कार्ड द्वारा 5 वोल्ट डिजिटल सिग्नलों को लोकोमोटिव सर्किटों में लगे रिले, कॉन्टैक्टरों, सोलेनाइडों, इंडिकेशन लैंपों के चलाने के लिए आवश्यक 72 वोल्ट डीसी के सिग्नलों में बदलता है। ये कार्ड लोको सर्किटों एवं माइक्रो कंट्रोलर सर्किटों को अलग करता है। प्रत्येक कार्ड 16 आउटपुट सिग्नलों की प्रक्रिया करता है। डिजिटल आउटपुट कार्ड सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एनालॉग इनपुट कार्ड, ये कार्ड MEP 660 सिस्टम लोको में लगे विभिन्न उपकरणों के विभिन्न पैरामीटरों जैसे वोल्टेज, करंट प्रेशर और तापमानों को विभिन्न सेंसरों द्वारा निरंतर मॉनिटर करता है। एनालॉग इनपुट कार्ड MAIP 8AU, MAIP 8AU कार्ड MAUCC कार्ड तथा उन ADB1 पैरामीटरों के बीच लगा होता है जो ऑक्सिलरी जनरेटर से संबंधित होती हैं। बैटरी चार्जिंग मुख्यतः इसी कार्ड से जुड़ा होता है। एनालॉग इनपुट कार्ड MAIP 8WS, MAIP 8WS कार्ड MWSCC कार्ड और ADB3 के बीच जुड़ा होता है। ट्रैक्शन मोटर, करंट सिग्नल मुख्यतः इसी कार्ड से जुड़े होते हैं। एनालॉग इनपुट कार्ड MAIP 16 या MIAI, ये MAIP 16 या MIAI कार्ड मॉडिफाइड एनालॉग इनपुट कार्ड BPP, BCP, FOP, BAP एवं LOP सेंसरों से प्राप्त सिग्नलों को प्रोसेस करता है। फ्रीक्वेंसी इनपुट कार्ड MFIP 16, ट्रैक्शन मोटरों एवं डीजल इंजन के स्पीड सेंसरों द्वारा उत्पादित सिग्नलों को बदलने के लिए आवश्यक हार्डवेयर इस कार्ड में लगे होते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कार्ड MPWM2, ये PWM कार्ड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम द्वारा उत्पादित कम वोल्टेज पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नलों को एक्साइटर फील्ड करंट एवं ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड करंट के नियंत्रण के लिए एक हाई पावर 72 वोल्ट आउटपुट में बदलता है। एक्साइटेशन एवं प्रोपल्शन पावर सप्लाई कार्ड MEPPS, ये मॉड्यूल कंट्रोल यूनिट के समस्त कार्डों के परिचालन के लिए आवश्यक प्लस माइनस 9 वोल्ट, प्लस माइनस 12 वोल्ट और प्लस माइनस 15 वोल्ट की नियंत्रित पावर सप्लाई को रेगुलेट करके प्रदान करता है। डिस्प्ले यूनिट MDS 733, इस सब असेंबली में एक 40 कैरेक्टर गुणा 4 लाइनों वाला अल्फा न्यूमेरिक वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले यानी कि VFD होता है। इसमें ऑपरेटर द्वारा डेटा एंट्री करने के लिए एक कीबोर्ड एवं इनबिल्ट बजर तथा अलार्म गोंग को बंद करने के लिए एक्नॉलेज स्विच होता है। एनालॉग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स MDB 701, एनालॉग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स MDB से जुड़े विभिन्न सेंसरों के लिए आवश्यक नियंत्रित DC पावर सप्लाई प्रदान करता है। ये इन सेंसरों से आउटपुट सिग्नलों को एकत्रित करता है तथा मेन कंट्रोल यूनिट को भेजता है। प्रत्येक लोगो में 4 ADB लगाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स RDB MSP 702, RPM डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स RDB इससे जुड़े सभी स्पीड सेंसरों को पावर सप्लाई प्रदान करता है। यह इन सेंसरों से स्पीड सिग्नलों को भी एकत्रित करता है तथा मेन कंट्रोल यूनिट को भेजता है। मोटर कटआउट स्विच बॉक्स MDB 707, ये मॉड्यूल एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेशन बॉक्स है जिससे कार्य के दौरान दोष युक्त ट्रैक्शन मोटर को अलग किया जाता है। इस बॉक्स में MCOS
एक से लेकर MCOS 6 तक अंकित 6 टॉगल स्विच लगे होते हैं। VCD मैग्नेट वॉल्व प्रकार 3332-10-4G। VCD मैग्नेट वॉल्व एक डायरेक्ट ऑपरेटेड इलेक्ट्रो न्यूमेरिक वॉल्व है जिसका उपयोग लोकोमोटिव में सेफ्टी डिवाइसों जैसे कि VCD, AED, फायर अलर्टर के ऑपरेट होने पर पेनल्टी ब्रेक लगाने में होता है। सर्किट ब्रेकर्स तथा स्विचेस। समस्त सर्किट ब्रेकरों तथा स्विचों का लगभग कन्वेंशनल लोकोमोटिव के समान ही संबोधन तथा नामांकन है। अतिरिक्त सर्किट ब्रेकर नए लगाए गए MPCB माइक्रोप्रोसेसर सर्किट ब्रेकर, PLPB प्री ल्यूब्रिकेशन पंप ब्रेकर, डिस्प्ले यूनिट एवं मेन्यू के द्वारा नेविगेशन। डिस्प्ले यूनिट उपयोगकर्ता तथा उपकरण के मध्य मुख्य इंटरफेस है। सामान्यतः डिस्प्ले यूनिट पर उस क्षण के पैरामीटर्स का समूह दिखता है। इन पैरामीटर्स के अलग अलग ग्रुप चयन हेतु उपलब्ध रहते हैं। पैरामीटर्स को कार्य के अनुसार ग्रुपों में किया गया है, जैसे एक्साइटेशन से संबंधित पैरामीटर्स, ऑक्सिलरी जनरेटर से संबंधित पैरामीटर्स, व्हील के RPM तथा ट्रैक्शन मोटर करंट से संबंधित पैरामीटर्स आदि। उपयोगकर्ता इनमें से किसी एक समूह को चुनकर लोकोमोटिव की टेस्टिंग के दौरान आवश्यक पैरामीटर्स रिकॉर्ड कर सकता है। डिस्प्ले यूनिट स्वतः ड्राइवर डिस्प्ले मोड पर बनी रहती है। लोकोमोटिव के पैरामीटर्स के अतिरिक्त लोको में दोष उत्पन्न होने पर चेतावनी संदेश भी डिस्प्ले होते हैं, जो दोष की गंभीरता के अनुसार अलार्म सहित या अलार्म रहित हो सकते हैं। मेन मेन्यू, सब मेन्यू 1, सब मेन्यू 2, सब मेन्यू 3। डिस्प्ले पैरामीटर्स: फॉल्स, डिस्प्ले मोड, टेस्ट मोड, एग्जिट, व्यू फॉल्स, क्लियर फॉल्स। फॉल्ट्स: एक्टिव फॉल्ट्स को देखना। रजिस्टर किया हुआ फॉल्ट यदि कोई है तो डिस्प्ले पर दिखता है। उपयोगकर्ता फॉल्ट को डाउन एरो की से नेविगेट कर सकता है, जबकि नो मोर फॉल्ट्स लोड संदेश डिस्प्ले पर नहीं आ जाता। मेन्यू की को दबाकर एग्जिट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। एक्टिव फॉल्ट्स को क्लियर करना: शून्य का उपयोग करके फॉल्ट को क्लियर करें का संदेश डिस्प्ले होता है। कुछ सेकंड्स के पश्चात लॉग किए गए फॉल्ट्स एक के बाद एक दिखाई देते हैं। फॉल्ट को नोट करने के पश्चात फॉल्ट को क्लियर करने हेतु शून्य प्रेस करें तथा डाउन एरो की के द्वारा अगला फॉल्ट देखें। इस प्रक्रिया को फॉल्ट क्लियर होने तक जारी रखें। एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू की दबाएं। डिस्प्ले मोड: डिजिटल आउटपुट, HP स्टेटस, एक्साइटेशन, ऑक्सिलरी, व्हील स्लिप, मिक्स्ड, ड्राइवर डिस्प्ले। ड्राइवर डिफॉल्ट डिस्प्ले में तीन स्क्रीन होती हैं: आइडल स्क्रीन, मोटरिंग स्क्रीन, ब्रेकिंग स्क्रीन। ड्राइवर द्वारा लोकोमोटिव के ऑपरेशन करते समय स्वतः ही कंट्रोल स्टैंड के सिग्नलों के आधार पर संबंधित स्क्रीन बदली होती रहती है। प्रत्येक स्क्रीन में संबंधित पैरामीटर प्रदर्शित होते रहते हैं, जैसे आइडल स्क्रीन, मोटरिंग स्क्रीन, ब्रेकिंग स्क्रीन, MCBG स्टेटस आदि। दोषों का वर्गीकरण एवं चालक द्वारा दोष संदेशों को रीसेट करने की विधि। लोको के परिचालन को प्रभावित करने की गंभीरता के आधार पर फॉल्टों को विभिन्न तीन स्तरों, हाई, मीडियम और लो में वर्गीकृत किया गया है। मेन्यू की को दबाकर एक्सेस लेवल लो की फॉल्टों को ड्राइवर द्वारा क्लियर किया जा सकता है। डिस्प्ले यूनिट पर निम्न क्रम में उपलब्ध ऑपरेटिंग की द्वारा चालक फॉल्ट को रीसेट कर सकता है। प्रेस मेन्यू की। निम्न मुख्य मेन्यू प्रकट होता है: फॉल्ट, डिस्प्ले मोड, टेस्ट मोड, एग्जिट। फॉल्ट को सिलेक्ट करने के लिए की एक को दबाएं। निम्न सब मेन्यू प्रकट होता है: व्यू एक्टिव फॉल्ट्स, क्लियर एक्टिव फॉल्ट्स। क्लियर एक्टिव फॉल्ट्स को सिलेक्ट करने हेतु की दो दबाएं। स्क्रीन पर प्रकट हुए मैसेज को क्लियर करने हेतु जीरो की का प्रयोग करें। कुछ समय पश्चात फॉल्टों की प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके क्रम में पंजीकृत फॉल्ट दृष्टिगत होते हैं। पुनः एक बार शून्य की को दबाएं और फिर
स्क्रीन पर प्रकट फॉल्ट को क्लियर करने के लिए एंटर की दबाएं। ऐसा करने पर फॉल्ट दूर होता है और दूसरा फॉल्ट दृष्टिगत होता है। फॉल्ट के स्तर के आधार पर दोषों को दूर करने के लिए डिस्प्ले पासकोड को संचालित करता है। इस अवस्था में डाउन की को दबाकर चालक उस फॉल्ट को क्लियर करके दूसरे फॉल्ट पर जा सकता है। यदि फॉल्ट दूर नहीं होता है तो लोको के परिचालन में कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में अगले निर्देश के लिए डीजल शेड से संपर्क करें। महत्वपूर्ण करें न करें निर्देश, हमेशा टीई लिमिट स्विच को नॉर्मल स्थिति में रखें जब तक की स्थिति बदलने की आवश्यकता न हो। सामान्य रूप से कार्य के लिए MCOS स्विचों को सदैव ऑन अवस्था में रखें। चार्ज लेते समय सदैव टीई लिमिट एवं MCOS स्विचों की स्थिति का अवलोकन करने की आदत बनाएं। क्रैंकिंग करते समय कंट्रोल स्टैंडों पर लगे MCB1 और MCB2 सर्किट ब्रेकरों को स्विच ऑफ करें। क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर पिकअप होने तक स्टार्ट बटन को दबाएं। यदि प्री ल्यूब्रिकेशन फीचर उपलब्ध है तो 60 सेकंड से अधिक समय तक जब ल्यूब ऑयल के स्तर की जांच करने के बाद 30 मिनट के अंदर सर्किट ब्रेकर CEB को ऑन करें। VCD ऑपरेट होने से बचने के लिए पिछले लोकोमोटिव में MCB1 और MCB2 सर्किट ब्रेकरों को स्विच ऑफ करें। पिछले अथवा डेड लोको में EPG कटआउट स्विच को ऑफ स्थिति में रखें। जब लोको खड़ा हो तो SA9 द्वारा लोको ब्रेक लगाते समय ब्रेक सिलेंडर प्रेशर का 2 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से अधिक होना सुनिश्चित करें। लगातार व्हील स्लिप एवं पूर्ण पावर रिडक्शन के दौरान कन्वेंशनल लोको की तरह ही ट्रबल शूटिंग करके कार्य करें। यदि लोको TM एक्सेस करंट के संदेश के साथ स्टॉल होता है तो ब्रेक लगाकर 8वीं नॉच पर फास्ट पंपिंग करें। 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर कुल पावर खत्म होने पर लोको को रोल बैक होने से बचाने के लिए लोको ब्रेक लगाएं। जब VCD लैंप ब्लिंक करे तो VCD रीसेट बटन दबाएं। पेनल्टी ब्रेक रीसेट करने से पहले सुनिश्चित करें कि लोको की गति शून्य हो, थ्रॉटल हैंडल आइडल में हो, VCD लैंप ब्लिंकिंग बंद हो जाए। डीजल लोको पायलटों के लिए एल्को लोकोमोटिव पर लगी माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल प्रणाली की मुख्य ट्रबल शूटिंग। इंजन बंद होता है, हॉट इंजन अलार्म की बत्ती जलती है तथा घंटी बजती है। फॉल्ट कोड 1001। फॉल्ट मैसेज आएगा लो वाटर लेवल। खराबी, इंजन शटडाउन बंद होता है, LED पैनल पर हॉट इंजन LED जलेगी। अलार्म घंटी लगातार 30 सेकंड तक बजती है, रीसेट करना। डिस्प्ले में जाकर क्लियर एक्टिव मोड में फॉल्ट को क्लीन करें। यदि फॉल्स मैसेज होगा तो रीसेट करें। यदि फॉल्ट पुनः आता है तो वास्तविक खराबी है। संभावित कारण, एक्सपेंशन टैंक में पानी का लेवल कम होने के कारण LWS ऑपरेट हो गया है। LWS यूनिट में माइक्रो स्विच खराब हो गया होगा, पुराने LWS का वेलो खराब हुआ होगा, पुराने LWS का फ्लोट पंक्चर हुआ होगा। वायर नंबर T01 में ओपन सर्किट हुआ होगा जो कि LWS से MEP660 कंप्यूटर तक जाता है। चालक द्वारा कार्यवाही, पानी के स्तर की जांच करें, यदि कम है तो पानी भरें एवं फॉल्ट रीसेट होने दें। यदि पानी पर्याप्त है तो LWS का कॉक ऑपरेट करके LWS का ऑपरेशन चेक करें। स्लॉट 11 में MDIP 16 कार्ड में 4 ग्रीन तथा 4 पीली LED जलेगी जो LWS के फीडबैक सिग्नल को इंगित करती है। यदि दोनों LED जलती है तो LWS सामान्य है। यदि दोनों LED ऑफ हैं तो LWS ऑपरेट हुआ है, चेक करें। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स LWS लगाया गया है और पानी पर्याप्त है तो LWS के इलेक्ट्रॉनिक वाटर इंडिकेटर में टॉगल स्विच से बाईपास करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें।
इंजन ओवर स्पीड होकर बंद होता है। फॉल्ट कोड 1002। फॉल्ट मैसेज, इंजन ओवर स्पीड। अलार्म घंटी तथा बजर 30 सेकेंड तक बजेंगे। रीसेट करना, डिस्प्ले में जाकर रीसेट करें। संभावित कारण, टेको जनरेटर से MWW या MCBG गवर्नर तक वायरिंग में खराबी होगी। OSTA ट्रिप हो गई होगी, फ्यूल रैक अटके या फंसे होंगे, या फ्यूल इंजेक्शन पंप खराब होगा। कैम गियर कवर पर लगे इंजन स्पीड सेंसर के कनेक्टर शॉर्ट हो गए होंगे। गवर्नर में खराबी है तथा रैक अटका होगा। चालक द्वारा कार्रवाई, यदि OSTA ट्रिप है तो इसे रीसेट करें तथा इंजन क्रैंक करें। सुनिश्चित करें कि रैक अटके तो नहीं है या फ्यूल इंजेक्शन पंप में खराबी तो नहीं है। कैम गियर कवर पर लगे इंजन स्पीड सेंसर के कनेक्टर शॉर्ट हो गए होंगे, इन्हें चेक करें। गवर्नर में खराबी होगी तथा रैक अटक रहा होगा। अब इंजन स्टार्ट करने हेतु स्टार्ट बटन दबाएं एवं लूब ऑयल का निर्धारित प्रेशर आने दें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। लो ल्यूब ऑयल प्लंजर ट्रिप होकर इंजन बंद होता है। फॉल्ट कोड 1004 और 1005। फॉल्ट मैसेज, LLOB ट्रिप, रीसेट प्लंजर एट इंजन ऑफ। खराबी, इंजन क्रैंक नहीं होगा। लगातार अलार्म घंटी बजेगी। फॉल्ट रिकवरी, WW गवर्नर में प्लंजर को रीसेट करें। 20 सेकेंड के बाद फॉल्ट रिकवरी हो जाएगी। संभावित कारण, वुडवर्ड गवर्नर वाले लोको में लो ल्यूब ऑयल प्लंजर ट्रिप हुआ होगा। यदि प्लंजर ठीक है तो सम्प में कम ल्यूब ऑयल होगा। चालक द्वारा कार्रवाई, WW गवर्नर का लो ल्यूब ऑयल प्लंजर यदि ट्रिप हो तो प्लंजर रीसेट करें। फॉल्ट को रीसेट करें तथा इंजन क्रैंक करें। यदि लो ल्यूब ऑयल प्लंजर ट्रिप नहीं है तो नॉब को बाहर की तरफ धीरे से खींचें तथा एक बार फिर रीसेट करें। OPS, LLOB के फीडबैक सिग्नल के स्तर की जांच, 5 ग्रीन तथा 5 पीली LED डिजिटल इनपुट कार्ड के ऊपर MDIP 16 में 11वें स्लॉट में चेक करें। इस समय LLOB नॉर्मल होनी चाहिए। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। हॉट इंजन अलार्म के साथ पावर कट ऑफ होता है तथा इंजन की गति 8 नॉच हो जाती है। फॉल्ट कोड 1006। फॉल्ट मैसेज, हॉट इंजन कांट पावर अप। हॉट इंजन अलार्म पावर कट ऑफ होगा। खराबी, इंजन की स्पीड 8 नॉच हो जाएगी तथा पावर कट ऑफ होगा। मोटरिंग तथा डायनेमिक ब्रेकिंग नहीं होगा। अलार्म घंटी लगातार बजेगी। अलार्म बजर 30 सेकेंड तक बजेगी। फॉल्ट रिकवरी, अपने आप, जब इंजन का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब। संभावित कारण, इंजन के पानी का तापमान 95 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक हो गया है। चालक द्वारा कार्यवाही, इंजन को पानी का तापमान 95 डिग्री सेल्सियस से कम होने तक ठंडा करें। यदि इस मैसेज के पूर्व इंजन टेम्परेचर हाई रिड्यूस पावर आता है तो जब भी समय मिले GF ऑफ करके इंजन को 8 नॉच लेकर ठंडा करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। लोको में पावर सर्किट ग्राउंड आता है तथा इंजन की स्पीड आइडल हो जाती है। फॉल्ट कोड 1007। फॉल्ट मैसेज, पावर सर्किट ग्राउंड फॉल्ट। खराबी, मोटरिंग तथा डायनामिक ब्रेकिंग बंद हो जाएगी। इंजन की स्पीड आइडल हो जाएगी। अलार्म घंटी लगातार बजेगी। फॉल्ट रिकवरी, ऑटोमेटिक रिकवरी केवल 3 बार होगी। संभावित कारण, फॉल्ट निम्न कारणों से दर्ज हो रहा होगा। ट्रैक्शन मोटरों में नमी के कारण, ट्रैक्शन मोटरों में फ्लैश ओवर हो जाने के कारण, इंसुलेटर क्रैक या टूट गया होगा, ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर अथवा ट्रैक्शन मोटर में, पावर रेक्टिफायर में, डायनेमिक ब्रेक ग्रिड में, BKT,
REV तथा पावर कॉन्ट्रैक्टर में कोई बाहरी धातु का चालक पावर टर्मिनल को छू रहा होगा, कोई पावर केबल लोको बॉडी को रगड़ रही होगी जिससे उनका इंसुलेशन कट गया या खराब हो गया होगा। चालक द्वारा कार्यवाही खराबी क्षणिक अथवा परमानेंट हो सकती है। यदि फॉल्ट क्षणिक है एवं थ्रॉटल हैंडल को आइडल पर रखा तो 15 सेकंड के अंदर फॉल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। चालक अब बिना किसी समस्या के आगे कार्य कर सकता है। यदि खराबी बार बार आती है तो सर्वप्रथम थ्रॉटल हैंडल को आइडल पर लाएं, GF स्विच को ऑफ करें तथा TM4 का टॉगल स्विच ऑफ करें एवं संबंधित मोटरों को इसी प्रकार आइसोलेट करके देखें जब तक कि सफलता न मिल जाए। लोको के ब्रेक लगाएं तथा स्वयं ब्रेक लगा होना सुनिश्चित करें। डिस्प्ले मोड को मिक्स्ड पर डिस्प्ले मेनू में जाकर सेट करें। लोको के ऑपरेशन को मोटरिंग मोड में सेट करें तथा एक नॉच लें। ट्रैक्शन अल्टरनेटर के लीकेज करंट टैंगी को डिस्प्ले पर चेक करें और लोअर नॉच पर कार्य करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। कंट्रोल सर्किट ग्राउंड फॉल्ट आता है तथा इंजन क्रैंक नहीं होता। फॉल्ट कोड 1008। फॉल्ट मैसेज कंट्रोल सर्किट ग्राउंड फॉल्ट, खराबी इंजन क्रैंक नहीं होगा। अलार्म घंटी लगातार बजेगी तथा बजर 30 सेकंड तक आएगा। संभावित कारण कंट्रोल सर्किट की वायरिंग में कहीं ग्राउंडिंग हो गई है। कुछ उपकरण जैसे कि डस्ट ब्लोअर मोटर, सेंडर की कॉइल लाइटिंग सर्किट आदि जो कि कंट्रोल सर्किट से जुड़े हुए हैं, इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत कम अथवा शून्य हो गया है। CGR ओपन सर्किट हो गया होगा। चालक द्वारा कार्यवाही यदि CGR के ओपन सर्किट हो जाने से फॉल्ट आया है तो GRCO2 को सील तोड़कर ओपन करें। अब लोको क्रैंक करें तथा GRCO2 पुनः लगा दें। नोट, ये फॉल्ट केवल इंजन स्टार्टिंग के समय ही आता है। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। मोटरिंग में लोको नहीं चलता तथा लोको की स्पीड अधिक हो जाती है। फॉल्ट कोड 1015। फॉल्ट मैसेज लोको ओवर स्पीडिंग, मूव मास्टर कंट्रोलर हैंडल टू आइडल। लोको की गति अधिक हो गई है, मास्टर कंट्रोलर का हैंडल आइडल पर लाएं। खराबी मोटरिंग में लोको नहीं चलता। अलार्म घंटी 30 सेकेंड तक बजेगी। फॉल्ट रिकवरी अपने आप ठीक होगा यदि इंजन की स्पीड सेट की गई सीमा के अंदर हो जाए तथा मास्टर हैंडल को आइडल पर लाया जाए। संभावित कारण लोको की गति अधिक हो गई है। चालक द्वारा कार्रवाई सर्वप्रथम थ्रॉटल हैंडल को आइडल पर लाएं, तत्पश्चात नॉच को कम करें तथा लोको की निर्धारित गति बनाए रखें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। GF कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं होता है, लोको नहीं चलता है। फॉल्ट कोड 1018। फॉल्ट मैसेज GF स्टक ओपन, रन ऑटो मैनुअल टेस्ट कांट पावर अप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रॉब्लम। खराबी GFCO क्लोज करने पर लोको नहीं चलता है। अलार्म घंटी 30 सेकंड तक बजती है। संभावित कारण GF कॉन्ट्रैक्टर खराब होगा। MEP 660 से GF कॉन्ट्रैक्टर कॉइल की वायरिंग में खराबी होगी। GF कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं होगी। चालक द्वारा कार्यवाही MEP 660 से GF कॉन्ट्रैक्टर कॉइल की वायरिंग में खराबी होगी, चेक करें। GF कॉन्ट्रैक्टर खराब होगा, चेक करें। GF कॉइल जल गई होगी, चेक करें। ECS को ठीक से रन पर रखें। टेस्ट मोड मेन्यू की सहायता से डिस्प्ले में मैनुअल टेस्ट्स फॉर आउटपुट्स सेट करें। अब GF कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए 13+ एंटर प्लस 1 दबाएं। यदि GF कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाता है तब मेन कॉन्टैक्ट टिप का ठीक से क्लोज होना सुनिश्चित करें। GF के ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट 1 को चेक करें, इसे शून्य नंबर ग्रीन तथा पीली LED को
डिजिटल इनपुट कार्ड MDIP 16 पर स्लॉट 11 में देखें। GF के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 2 को चेक करें। इसे एक नंबर हरी तथा पीली LED को डिजिटल इनपुट कार्ड MDIP 16 पर स्लॉट 12 में देखें। सभी चारों LEDs को जलना चाहिए। अब GF कॉन्टैक्टर को डीएनर्जाइज करने के लिए 0 की दबाएं। सभी चारों LED दोनों डिजिटल इनपुट कार्ड पर ऑफ रहना चाहिए। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। क्रैंक केस मोटर बंद हो गई है। सर्किट ब्रेकर CEB ऑफ का इंडिकेशन आएगा। फॉल्ट कोड 1019। फॉल्ट मैसेज CEB सर्किट ब्रेकर ऑफ। खराबी लोको कार्य में परिवर्तन नहीं होगा, केवल इंडिकेशन आएगा। अलार्म घंटी लगातार ऑन रहेगी एवं बजेगी। फॉल्ट रिकवरी अपने आप ठीक होगा यदि CEB सर्किट ब्रेकर स्विच ऑन कर दिया जाए। संभावित कारण क्रैंक केस मोटर का CEB सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने के कारण या ऑफ होने के कारण विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही होगी। क्रैंक केस मोटर सर्किट ब्रेकर फीडबैक CEB FB की तार टूट गई होगी, जिसे MEP 660 प्रदर्शित करेगा। चालक द्वारा कार्यवाही क्रैंक केस मोटर का चलना स्वयं चेक करें। मोटर पर हल्का टैपिंग करें एवं टर्मिनल के तार चेक करें। यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप है तो इसे रीसेट या ऑन करें। क्रैंक केस मोटर सर्किट ब्रेकर की फीडबैक का इंडिकेशन 7 नंबर ग्रीन तथा 7 पीली LED जो कि स्लॉट नंबर 13 में डिजिटल इनपुट कार्ड MDIP 16 के द्वारा प्रदर्शित होगा। यदि CEB सर्किट ब्रेकर ऑन है तो CCEM फेल की LED का दोनों कंट्रोल स्टैंड पर ऑफ इंडिकेशन आएगा। दोनों 7 नंबर ग्रीन तथा पीली LED जो कि डिजिटल इनपुट कार्ड के स्लॉट नंबर 13 में है, ये ऑन रहेगी। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोटरिंग में लोको नहीं चलता तथा प्रारंभ में लोको FS कॉन्टैक्टर लगी स्थिति में रहता है। फॉल्ट कोड 1074। फॉल्ट मैसेज फील्ड शंटिंग रिले FSR अथवा FS कॉन्टैक्टर FS2X स्टक क्लोज्ड। FSR तथा FS कॉन्टैक्टर वेल्ड हो गए हैं। खराबी लोको प्रारंभ से फील्ड शंट लगी स्थिति में चलेगा तथा पैरेलल ट्रांजिशन के बाद मोटरिंग में लोको नहीं चलेगा। अलार्म घंटी 30 सेकंड तक बजेगी। फॉल्ट रिकवरी वेल्ड रिले या कॉन्टैक्ट ठीक होने पर अपने आप ठीक हो जाएगा। संभावित कारण FS कॉन्टैक्टर वेल्ड हुआ होगा, FS रिले खराब हो गई होगी, इनकी वायरिंग में खराबी होगी, आउटपुट कार्ड में खराबी हो गई होगी। चालक द्वारा कार्यवाही डिजिटल इनपुट कार्ड को स्लॉट 12 में हरी LED 10 तथा पीली LED 10 के स्टेटस के लिए चेक करें। यदि दोनों LED जल रही है तो FSR रिले का स्टेटस देखें। यदि FSR एनर्जाइज है तो FSR रिले की जांच उसके स्प्रिंग की स्थिति के लिए करें। यदि आवश्यक हो तो रिले बदली कराएं। FS कॉन्टैक्टर वेल्ड हुआ होगा, जांच करें तथा वेल्ड निकालें। आउटपुट कार्ड में खराबी हो गई होगी, जांच करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। ट्रांजिशन आने के बाद फील्ड शंट या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोटरिंग में लोको नहीं चलता। फॉल्ट कोड 1075। फॉल्ट मैसेज फील्ड शंटिंग रिले FSR सर्किट ओपन। खराबी फील्ड शंट कॉम्बिनेशन तथा पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोटरिंग में लोको नहीं चलता। अलार्म घंटी 30 सेकंड तक बजेगी। फॉल्ट रिकवरी मास्टर हैंडल को आइडल पर रखते ही अपने आप सामान्य होगा। संभावित कारण FSR रिले खराब हो गई होगी, डिजिटल आउटपुट कार्ड में खराबी होगी, FS कॉन्टैक्टर फीडबैक वायरिंग में खराबी होगी, डिजिटल इनपुट कार्ड में खराबी होगी। चालक द्वारा कार्यवाही टेस्ट मोड मेन्यू में डिस्प्ले पर मैनुअल टेस्ट्स फॉर आउटपुट सेट करें। 24 लिखें तथा एंटर को दबाएं
जिससे एफएसआर ऑपरेशन को टेस्ट किया जा सके। अब 1 की को दबाएं, जिससे एफएसआर रिले स्विच ऑन हो सके। एफएसआर रिले तथा एफएस कॉन्टैक्टर्स को पिकअप होना चाहिए। केबल आईडी के कनेक्टर तथा एमईपी 660 कंट्रोल यूनिट पर वायर एजेड के लूज होने के लिए जांच करें। यदि ढीले हैं तो टाइट करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। इंजन क्रैंक नहीं होता है। फॉल्ट कोड 1140। फॉल्ट मैसेज: क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर स्टक ओपन, इंजन क्रैंक नहीं होगा। खराबी: इंजन क्रैंक नहीं होगा। अलार्म घंटी 5 सेकंड तक आएगी। फॉल्ट रिकवरी: अपने आप ठीक होगा जब CK1, CK2, CK3 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। संभावित कारण: CKC कॉन्टैक्टर खराब होगा। स्लॉट नंबर 14 में आउटपुट कार्ड नंबर MLSD16 में खराबी होगी। MEP 660 में केबल का कनेक्टर IDAY ढीला होगा। वायरिंग में खराबी होगी। क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर में खराबी होगी। स्लॉट 10 में डिजिटल इनपुट कार्ड MDIP16 में खराबी होगी। चालक द्वारा कार्यवाही: उक्त मैसेज केवल इंजन क्रैंकिंग के समय ही आता है। बैटरी नाइफ स्विच को खोलें। CKC कॉन्टैक्टर तथा CK1, CK2, CK3 को संचालन के लिए मैनुअली ऑपरेट करें। सुनिश्चित करें कि संचालन में यांत्रिक अवरोध तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि दोनों ग्रीन तथा पीली LEDs 0, 1 तथा 2 स्लॉट में नंबर 10 में डिजिटल इनपुट कार्ड 16 पर जल रही है। यदि सभी तीनों LEDs जल रही हैं, तो CK1, CK2 तथा CK3 के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैनुअली ओपन करें। अब ग्रीन तथा पीली LED को ऑफ हो जाना चाहिए। अब बैटरी नाइफ स्विच को क्लोज करें एवं लोगो को क्रैंकिंग के लिए तैयार करें। स्टार्ट बटन को दबाएं। CKC कॉन्टैक्टर को पिकअप होना चाहिए। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। बैटरी चार्ज नहीं होती है। बैटरी वोल्टेज कम है। फॉल्ट मैसेज आएगा: बैटरी वोल्टेज इज लो, बैटरी वोल्टेज कम है। मैसेज कोड 1061। खराबी: प्रत्येक 10 मिनट के अंतर से हर 30 सेकंड के लिए बजर बजने के साथ लोको स्टॉल हो सकता है। अलार्म घंटी: बजर 30 सेकंड के लिए बजता है। लोको पायलट फॉल्ट को रीसेट करता है। संभावित कारण: ऑक्सिलरी जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है तथा बैटरियां चार्ज नहीं हो रही हैं। लोको पायलट द्वारा कार्यवाही: AGFB सर्किट ब्रेकर तथा MB1 सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए फ्रंट पैनल पर जांच करें। यदि ट्रिप है तो रीसेट करें। इंजन स्पीड सेंसर पर कनेक्टर की टाइटनेस की जांच करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होने से मोटरिंग बंद हो जाती है। डायनेमिक ब्रेक नहीं लगता। फॉल्ट मैसेज आता है: क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर CK स्टक अप, क्लोज रह गया है। मैसेज कोड 1029। खराबी: मोटरिंग नहीं होगी, डायनेमिक ब्रेक नहीं लगेगा। अलार्म घंटी लगातार बजेगी। चालक फॉल्ट एक्नॉलेज करता है। संभावित कारण: क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर CK1, CK2 अथवा CK3 की मेन टिप वेल्ड हो गई होगी। लोको पायलट द्वारा कार्यवाही: इंजन को शट डाउन करें। बैटरी नाइफ स्विच को खोलें। लकड़ी के गुटके से वेल्ड टिप्स को निकालें तथा साफ करें। टिप अलग अलग करने के पश्चात अलार्म घंटी का बजना बंद हो जाता है
तथा मैसेज आता है कि क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर स्टक क्लोज, फॉल्ट रिकवर्ड। अब बैटरी नाइफ स्विच को क्लोज करें, खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। बैटरी चार्जिंग नहीं होती है, ऑक्सिलरी जनरेटर फेल हो जाता है तथा AGFB सर्किट ब्रेकर या MB1 सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, फॉल्ट मैसेज आएगा, बड़ी खराबी के कारण बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, मैसेज कोड 2000, खराबी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, अलार्म घंटी, प्रत्येक 10 मिनट के अंतर से 30 सेकंड के लिए बजर बजता है, लोको पायलट फॉल्ट अक्नॉलेज करता है, संभावित कारण, ऑक्सिलरी जनरेटर ने वोल्टेज पैदा करना बंद कर दिया है तथा बैटरी चार्ज नहीं होगी, लोको पायलट द्वारा कार्यवाही, AGFB सर्किट ब्रेकर तथा MB1 सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गए होंगे, चेक करें एवं रीसेट करें। इंजन स्पीड सेंसर पर ESS कनेक्टर का टाइट होना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान रखें कि चेतावनी के तौर पर निम्नलिखित फॉल्ट भी डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो सकते हैं, क्योंकि लोको केवल बैटरियों पर चल रहा है। 1062 बैटरी वोल्टेज हाई, 1063 AG फील्ड ड्राइव शॉर्ट, 1141 AG आउटपुट हाई फॉल्ट, 1142 बैटरी चार्जिंग करंट हाई, 1143 AG आउटपुट ओवर करंट फॉल्ट, 1144 AG फील्ड ओवर करंट, 1145 AG आउटपुट ओपन सर्किट फॉल्ट, 1146 AG फील्ड सर्किट ओपन या शॉर्ट। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। इंजन क्रैंक नहीं होता है, फॉल्ट मैसेज आएगा, क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर स्टक क्लोज्ड, मैसेज कोड 2029, खराबी, इंजन क्रैंक नहीं होता है, अलार्म बजर 5 सेकंड के लिए बजता है, संभावित कारण CK1, CK2 अथवा CK3 क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर के मेन टिप्स वेल्ड हो गए होंगे, लोको पायलट द्वारा कार्यवाही, बैटरी नाइफ स्विच को खोलें, लकड़ी के गुटके की सहायता से वेल्ड हुए टिप्स को अलग करें तथा टिप्स को साफ करें, टिप्स अलग होने के बाद अलार्म घंटी बंद हो जाएगी तथा रीसेट मैसेज आएगा कि क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर स्टक क्लोज्ड, फॉल्ट रिकवर्ड। अब बैटरी नाइफ स्विच को क्लोज करें तथा आगे का कार्य करें। खराबी को लॉगबुक में दर्ज अवश्य करें तथा पावर कंट्रोलर को सूचित करें। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस ने पेनल्टी ब्रेक लगा दिए हैं, मास्टर कंट्रोलर हैंडल को आइडल पर रखें तथा VCD का रीसेट बटन दबाएं। फॉल्ट मैसेज आएगा, VCD अप्लाइड पेनल्टी ब्रेक, मास्टर कंट्रोलर को आइडल पर रखें तथा ब्रेक रिलीज करने के लिए रीसेट बटन दबाएं। मैसेज कोड 1153, खराबी, जब तक चालक मास्टर हैंडल आइडल पर नहीं रख देता है तथा लोको की गति शून्य नहीं हो जाती है एवं LED का जलना बुझना बंद नहीं होता है, लोको में मोटरिंग का कार्य नहीं होगा। अलार्म घंटी 5 मिनट के लिए बजेगी, संभावित कारण, लोको का अनियमित संचालन करने से VCD अप्लाई हुई होगी, चालक VCD रीसेट स्विच को दबाना भूल गया होगा, VCD यूनिट खराब होगी, लोको पायलट द्वारा कार्यवाही, लोको की गति शून्य होने तक मास्टर कंट्रोलर थ्रॉटल हैंडल को आइडल पर रखें, VCD की LED का ब्लिंकिंग बंद होने का इंतजार करें। अब VCD के रीसेट पुश बटन को पेनल्टी ब्रेक
रिलीज करने के लिए दबाएं। गाड़ी में प्रेशर बनाएं तथा आगे का कार्य करें। इस फिल्म से हमने सीखा एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम का परिचय, माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल सिस्टम का परिचय, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की मुख्य विशेषताएं, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की अतिरिक्त विशेषताएं, पूर्व कंट्रोल सिस्टम से हटाए गए आइटम, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण असेंबलियों का विवरण, डिस्प्ले यूनिट एवं मेन्यू द्वारा नेविगेशन, दोषों का वर्गीकरण एवं चालक द्वारा दोष संदेशों को रीसेट करने की विधि, महत्वपूर्ण करें न करें निर्देश, ट्रबल शूटिंग।